हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका। और आज की वीडियो जो है मीशो कुर्ता सेट हॉल पे होने वाली है। मैंने मीशो से जो है कुर्ता सेट्स ऑर्डर किए हैं, उसी का रिव्यू आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे कुर्ता सेट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत मुझे रिसीव हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप बिल्कुल बिल्कुल भी मत परचेज करिएगा, टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मीशो ऐप पर पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है, अगर आप उस लिंक से जाकर मीशो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको पहले ऑर्डर जो 100 रुपीज तक ऑफ मिल जाएगा। और मीशो पे सेल चल रही है तो इस सेल को आप मिस आउट मत करिएगा। और चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो कुर्ता हॉल का वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, सभी जो है 700 के अंदर ही हैं, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सारे कुर्ता सेट मिल जाते हैं। आइए ज्यादा बातें ना करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कुर्ता सेट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। इस तरह से काही ग्रीन कलर का ये कुर्ता है, ब्लॉक प्रिंटेड कुर्ता है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरा घेर वाला कुर्ता आपको मिलेगा, फ्लेयर्ड कुर्ता है ये। और इस तरह से आपको यहाँ पे कॉलर वाली नेक मिल जाती है, यहाँ बीच में आपको बटन्स की डिटेलिंग मिल जाती है, लेकिन कोई भी बटन्स जो है ओपन नहीं होते हैं, बटन्स शो के लिए लगे हुए। इस तरह से इस पर ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है, कॉटन का फैब्रिक है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, बहुत ही कम्फर्टेबली आप इसे वियर कर सकते हैं। और बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस पर जो ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है, इसमें जो है ना आपको लाइट येलो एंड हल्का सा रेडिश एंड व्हाइटिश कलर का ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है, तो ग्रीन पीस येलो कलर का कॉम्बिनेशन जस्ट वाव आ रहा है निकल के। और इसकी स्लीव जो है आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है, स्लीव के लास्ट में आपको इस तरह से येलो एंड ग्रीन एंड रेड कलर की प्रिंटिंग मिल जाती है। येलो कलर का बॉर्डर है जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट निकल के आ रहा है इसका। और इस तरह से यहाँ से आपको फ्लेयर स्टार्ट हो जाता है वेस्ट लाइन से, और इस कुर्ते का फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। इस तरह से नीचे के साइड में आपको ब्रॉड येलो सा बॉर्डर मिल जाता है। वियर करने पर इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। इसका घेर ना ही बहुत ही कम है ना ही बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अच्छा खासा फ्लेयर है इसका। वियर करने पे इसका लुक काफ़ी खूबसूरत आएगा। बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड में भी पूरा ऑल ओवर प्रिंटेड कुर्ता है, जैसा फ्रंट में इन्होंने प्रिंटिंग की थी वैसा ही प्रिंटेड कुर्ता है। इसके साथ जो है आपको दुपट्टा का सेट मिलता है, इसके साथ आपको बॉटम वियर नहीं मिलता है। आप चाहें तो इसे एज अ मैक्सी ड्रेस भी वियर कर सकते हैं। इसके साथ आपको दुपट्टा मिल जाता है, दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, एकदम ब्राइट येलो कलर का दुपट्टा। आप फ्रेंड्स देखिए कितना ब्राइट येलो कलर का दुपट्टा है, और इस पर बहुत ही खूबसूरत सी प्रिंटिंग की गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, 100% कॉटन का है, और एकदम लेने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई कि इसका वेट बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लाइट वेटेड है, बिल्कुल फैदर लाइक है। और इस तरह से इस पर प्रिंटिंग की गई है, किनारे किनारे आपको इस तरह से बॉर्डर मिल जाता है, बीच में आपको ये बूटियाँ मिल जाती हैं। दुपट्टे की लेंथ काफ़ी अच्छी, दुपट्टे की चौड़ान भी काफ़ी अच्छी है, और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी प्राइस जो है 600 है, मैं प्राइस स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। और ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा कुर्ता मुझे रिसीव हुआ है, ये सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये जो है एक सरारा सेट है, ब्लू कलर में है, मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। इसका टॉप वाले कुर्ता देख लेते हैं, ये है इसका कुर्ता, और ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू कलर का कुर्ता है, जिसपे आपको इस तरह से नेकलाइन मिल जाती है। यहाँ पे बटन की डिटेलिंग जैसा बस प्रिंट किया गया है, बटन नहीं है, आप देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरह से है। और इस पर जो है आपको ना ये पिंक कलर की और जरी की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है नेकलाइन पे, तो एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, नीटली फिनिश्ड है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। और आपको इसकी स्लीव जो है आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है, स्लीव पे भी आपको इस तरह से गोल गोल सी प्रिंटिंग मिल जाती है, काफ़ी अच्छा प्रिंटिंग पैटर्न भी है। कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है, रेयान का कपड़ा है, और कुर्ते की लेंथ जो है लॉन्ग नहीं रखी क्योंकि ये सरारा सेट है, तो कुर्ते की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। और ये इस तरह से बैक साइड में भी सेम वही प्रिंटिंग की गई जैसा फ्रंट साइड में प्रिंटिंग की गई है। इसका सरारा हम देख लेते हैं, इसका सरारा इस तरह से है फ्रेंड्स, ऊपर के साइड में आपको इस तरह से इलास्टिक मिल जाती है, गोटा पट्टी वर्क से इस तरह से लाइनिंग मिल जाती है, नीचे के साइड में इस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है, सब कुछ प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बस गोटा पट्टी की लेस लगी हुई है। बैक साइड में भी आपको इसी तरह से प्रिंटिंग मिल जाती है इसके। सॉरी फ्रेंड्स, ये सरारा नहीं है, ये है प्लाजो, है फ्लेयर्ड प्लाजो है। इसका प्लाजो का घेर जो है काफ़ी अच्छा है, इस तरह से इस पर पैटर्न बना हुआ है। इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिल जाता है, ये है इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, रानी कलर का दुपट्टा इन्होंने दिया, ब्लू के साथ रानी का कॉम्बिनेशन है। और आपको इसी तरह से कुर्ते की इस पर पाइपिंग की डिटेलिंग मिल जाती है, और दुपट्टों के किनारों पर इस तरह से इन्होंने टेसल्स लगाए हुए हैं, चारों तरफ इस तरह से टेसल्स लगा हुआ है। दुपट्टे की लेंथ भी अच्छी है और दुपट्टे की चौड़ान भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए इस कुर्ता प्लाजो दुपट्टा सेट की, तो ये प्लाजो सेट मुझे नहीं पसंद आया है क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी लगी है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई है, काफ़ी लो क्वालिटी लगी मुझे, तो आप इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा।
फ्रेंड्स, आई होप आप भी मेरे बातों से एग्री करेंगे। मुझे इसकी क्वालिटी नहीं पसंद आई। इसकी प्राइस जो 674 रुपीज़ है, प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, और उस अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट मत करिएगा। पिक्चर्स में बहुत ही खूबसूरत ये दिख रहा था। नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ये है वो कुर्ता, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ है, रामा ग्रीन या रामा ग्रीन कलर है इसका। इस तरह से है, इस तरह से आपको स्वीट अंगरखा स्टाइल मिलता है। इसमें अंगरखा स्टाइल का नेक बनाया गया है, इस तरह से है, लेकिन ये ओपन नहीं होता है, ये इसी में स्टिच है। और यहाँ पे आपको इस तरह से टेसल्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगे मुझे। और इसकी स्लीव जो है ना, आपको एल्बो से थोड़ी सी नीचे तक आएगी, और इसकी स्लीव की पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी स्लीव की पैटर्न है। वेयर करने पे इसका लुक काफी खूबसूरत आएगा। और इस पे भी जो है गोल्डन फॉइल प्रिंट एंड ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है। प्रिंटिंग एक बार पास से देख लीजिए, इसका जो फैब्रिक है 100% कॉटन का, प्योर कॉटन का है। काफी कंफर्टेबल होने वाला है, काफी खूबसूरत लगा मुझे। और इसका घेर जस्ट जस्ट वाव है, अमेजिंग है, बिल्कुल अम्ब्रेला कट है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा घेर है इस कुर्ते में। इस तरह से पूरा कुर्ता, कुर्ते के नीचे में आपको इस तरह से पॉम्पम की डिटेलिंग मिल जाती है, जो कि वेयर करने पे बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसका घेर आप देखिए फ्रेंड्स, पूरी तरह से कैमरे में तो नहीं आ पाएगा एक बार में, इसका घेर बहुत ही ज़्यादा है, ह्यूज सा घेर आपको मिल जाता है, जो कि वेयर करने पर काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से इसका घेर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। और इसकी प्राइस जो 600 समथिंग प्राइस में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। फ्रंट साइड और बैक साइड जो सेम ऐसी ही प्रिंटिंग की गई है जैसा कि फ्रंट में की गई थी। आपको वेस्ट पे ना इस तरह से बेल्ट भी मिल जाती है, जिसे आप टाई अप कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा फिटिंग चाहिए तो। इस तरह से दोनों साइड में ना आपको ये बेल्ट भी मिल जाती है, और आगे के साइड में काफी लॉन्ग सा टेसल्स भी मिल जाता है। इसके साथ भी आपको बॉटम नहीं मिलता, इसके साथ भी दुपट्टा का इन्होंने पेयर भेजा है। इसका दुपट्टा इस तरह से है, इसमें लाइनिंग प्रिंटिंग की गई है, उसमें ऐसे ब्लॉक प्रिंटिंग की गई थी। इस तरह से लाइनिंग वाली प्रिंटिंग, और दुपट्टे की चौड़ान आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल हाफ चौड़ान का दुपट्टा है। और दुपट्टे के किनारों पे जो इस तरह से आपको पॉम्पम की डिटेलिंग मिल जाती है, और दुपट्टे की लेंथ अच्छी है, लेकिन चौड़ान इतनी ही रखी है उन्होंने। इस तरह से ये दुपट्टा है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसे भी मैं आपसे शो कर देती हूँ। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाला थोड़ा सा जैकेट स्टाइल में है, तो सबसे पहले हम इसका कुर्ता देख लेते हैं। मैंने इसे वाइन कलर में परचेज किया है, तो इस तरह से ये कुर्ता है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, लॉन्ग कुर्ता है, कॉटन का कुर्ता है, काफी कंफर्टेबल है, मरूनिश वाइन कलर है इसका। इस तरह से है, बिल्कुल प्लेन सा कुर्ता है। चाहे तो आप इसे प्लेन कुर्ते की तरह भी आप वियर कर सकते हैं, अगर आप स्लीवलेस वियर करना पसंद करते हैं। इसके साथ आपको स्लीव नहीं मिलती है, और इसकी प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 300 समथिंग है। प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये भी कुर्ता मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 300 के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और इसके साथ जो जैकेट मिलता है, उस जैकेट को तो आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड आपको मिलता है, इस तरह से कॉलर नेक मिलता है, और यहाँ पे आपको पूरी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है थ्रेड वाली। बहुत ही खूबसूरत सी इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है। और स्लीव इसकी आपको जो है एल्बो से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, यहाँ तक की स्लीव आएगी इसकी। स्लीव के लास्ट में भी उसी कलर की पाइपिंग की डिटेलिंग दी हुई है, तो काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे, बहुत ही प्यारा लगेगा वियर करने पर, काफ़ी खूबसूरत सा लुक आएगा। और वाइट और इसका जो कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगा। वियर करने पे इसका लुक कैसा आ रहा है आप साइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसे भी हम देख लेते हैं। ये कुर्ता मुझे बाद में रिसीव हुआ था, और इसे मैंने जो है लास्ट साइज़ में ऑर्डर किया है, बंधेज प्रिंटिंग का कुर्ता। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पर जो प्रिंटिंग की गई है गोल्डन फॉयल प्रिंट एंड वाइट प्रिंटिंग की गई है। आपको ऊपर के साइड में थोड़े से फ्लावर्स के बटन से डिटेलिंग मिल जाती है। इस तरह से ये पूरा कुर्ता ना ही बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, ना ही बहुत ही शॉर्ट कुर्ता है। कॉटन रेयन का कुर्ता है। लुक वाइज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से है। मैंने इसे पिंक कलर में, रानी पिंक कलर में ऑर्डर किया है। इसकी स्लीव आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है, और फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों सेम प्रिंटिंग की गई है, एज यूजुअल सेम प्रिंटिंग है। और इसके साथ जो है स्कर्ट का इन्होंने पेयर अप किया है, स्कर्ट को भी हम देख लेते हैं। ये है इसकी स्कर्ट है, वाइट कलर की है, आपको इस तरह से गोटा पट्टी की डिटेलिंग, और नीचे जो है वही कुर्ते वाला का फैब्रिक मिल जाता है। लुक वाइज तो पिक में ये अमेजिंग लग रहा था फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इसका सेट, लेकिन इस स्कर्ट को एकदम ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू मटेरियल है, और इसका घेर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा घेर आजकल जो है पेटकोट में भी रहता है, लेकिन इसका
आखिर बहुत ही कम है, मेरी तरफ से बिग नो है फ्रेंड्स। इस कुर्ता सेट को आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत ही बेकार है, इसका घेर भी नहीं अच्छा है और एकदम ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल है। बहुत ही गंदा स्कर्ट लगा मुझे इसका, इस कुर्ता तो एक बार मैनेज भी हो सकता है लेकिन स्कर्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और इसकी प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी फ्रेंड्स। दोस्तों ये था मेरा आज का मीशो कुर्ता सेट हॉल का वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, किसमें आपको परचेज करना चाहिए और किसे नहीं परचेज करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।